Mm-hmm. अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हम लोग प्रतिदिन के तो हम लोग आज भी होमवर्क सीरीज को स्टार्ट कर दिए हैं तो सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग टाइम पर आ जाइए चलिएगा सभी लोगों को गुड मॉर्निंग विद्यानंद जी गुड मॉर्निंग मनीष राज जी गुड मॉर्निंग मनोज गुड मॉर्निंग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग फटाफट आ जाइए ताकि हम लोग क्लास को अपने टाइमिंग के साथ शुरू कर सके चलिएगा रिया जी गुड मॉर्निंग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आ जाइए फटाफट ताकि हम लोग क्लास को जो जीके जीएस का हम लोग का जो होमवर्क से जो स्टार्ट हुआ है यानी इसमें लूसेंट और स्पीडी दोनों बुक को कवर किया जा रहा है तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आ जाइए और साथ साथ इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा जिसमें पंद्रह करंट अफेयर क्वेश्चन होगा जिसमें दस होगा रिसेंटली और पाँच जो होता है वो पिछले छः मंथ का होता है तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आ जाइए चलिएगा मोनू कांत गुड मॉर्निंग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आ जाइए हम लोग क्लास को ग्यारह बजे से हम लोग का क्लास शुरू होता है तो सभी लोग आ जाइए फटाफट चलिएगा रंजय जी गुड मॉर्निंग चलिएगा तो हम लोग ग्यारह बज गया हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे तो चलिएगा सबसे पहले करंट सफेयर के क्वेश्चन आप क्वेश्चन को पर आएगा तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद आंसर दीजिएगा चलिएगा मनीष आर्यन जी गुड मॉर्निंग चलिएगा तो

चलिएगा सभी लोग सही, सही सभी का आंसर आना चाहिए इतने अभी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन इसके क्या हो जाएगा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ सु, किया गया है यानी इसमें किया जाएगा क्या तो घर जो होता है उसको यानी विद्यालय जैसा इन्वॉर्मेंट दिया जाएगा ताकि बच्चों की जो पढ़ाई रुकी हुई है उसको उसको फिर से चालू किया जा सके माध्यम से होगा तो यानी वर्चुअल क्लास के मदद से इसको किया जाएगा तो ये भी ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे बात मध्य प्रदेश की आई है तो मध्य प्रदेश से बहुत सारा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यानी जीवन शक्ति योजना एक चला तो जीवन शक्ति में क्या किया जाता है तो यानी मास्क का इसमें वितरण किया जाता है उसके बाद जीवन अमृत योजना होता है यानी जीवन अमृत योजना में वितरण किया जाता है जो इम्यूनिटी सिस्टम को विकसित करता है डेवलप करता है उसके बाद हाल ही में वहां प्रारंभ किया गया कुशल श्रमिक रोजगारों के लिए रोजगार सेतु योजना भी प्रारंभ किया गया कहा हमें तो में तो मध्य प्रदेश उसके बाद संकल्प योजना जो बुजुर्ग के सहायता के लिए प्रारंभ किया गया उसके बाद चरण पादुका योजना प्रारंभ किया गया यह भी मध्य प्रदेश में पादुका जो 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 अभियान है प्रवासी पैदल आ रहे थे उनको देने के लिए खराब शिशु मृत्यु दर है वो किस राज्य का, तो का ही है उसके बाद मिड डे मील को यानी बांटा गया वितरण किया गया यह भी मध्य प्रदेश में ही उसके बाद करमवीर पुरस्कार जो पुलिस को दिया जाएगा यानी पुलिस फोर्स वहां जो जो भी

चलिएगा शिवानी जी का सही आंसर आ गया कबीर सिंह जी का सही है, है। चलिएगा रिया जी का सही है रणधीर जी का सही है निधि जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए फ्राउंड बता दीजिएगा चलिएगा तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ऑप्शन इसके लक्ष्मीकांत जी का विषय है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा यानी बीत बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा बियत जितने भी ऑप्शन में बीत नाम लगाया सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है तो ध्यान दीजिएगा यानी छत्तीसवां जो आसियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो कहाँ में किया गया तो ध्यान रखिएगा बियत में किया गया तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर होगा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यानी बियतनाम की जो राजधानी है वो क्या है तो हनोई है वहीं में इसका आयोजन हुआ है कैसे हुआ तो वर्चुअल के तहत हुआ है यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है ऐसे आसियान का जो सम्मेलन होता है साल में कितना बार होता है तो दो बार होता है इस बात को भी आप लोग तो ध्यान रखिएगा जो आसियान का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है तो ये भी ध्यान रखिएगा इसका अगर मुख्यालय तो तो की बात अगर कहा जकारतम है इसका स्थापना की बात अगर किया जाएगा तो उन्नीस में इसका स्थापना हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा अगर इसका हेड की अगर बात अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा लिम जोक हो ध्यान रखिएगा लिम जोकोई चलिएगा तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग का हो गया चलिएगा तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट तीसरा क्वेश्चन आपके आ गया ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में स्विगी ने नेटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौते किया है बताइएगा सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा हाल बताइएगा कि स्विगी ने बताइएगा कि, कि किसके साथ समझौता किया है बताइएगा सभी लोग तीसरा क्वेश्चन का फटाफट चलिएगा कबीर सिंह जी का सही आंसर आ गया प्रवीण जी का सही है निधि जी का सही है लक्ष्मीकांत जी का सही है रिया जी का सही है सुधीर जी का सही है मनीष आर्यन जी का सही है बिना भारती जी का सही है पिंटू जी का सही है अश्विनी जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए छोटू जी का सही है रंजय जी का सही है रणधीर जी का भी सही है चलिए तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा यानी आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में क्या किया यानी स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए जो संपर्क किया यानी जो इस, इस, यानी समझौता किया वो किस बैंक से तो आईसीआईसीआई बैंक से क्या ध्यान रखिएगा अब आईसीआईसीआई बैंक का जो स्थापना हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का स्थापना की अगर बात अगर किया जाएगा तो उन्नीस में इसका स्थापना हुआ है इसका अगर मुख्यालय की बात अगर किया जाएगा तो मुंबई में है इसका अगर सी का बात अगर किया जाएगा तो संदीप बक्सी इसके सी हैं लेकिन ये तो हुआ आईसीआईसीआई बैंक का अब यहाँ पे जो समझौता किया है वो किसने किया स्विगी किया है तो स्विगी आप लोग को नाम सुने होंगे फूड से संबंधित यानी खाने पीने वाले भोजन का सप्लाई करता है स्विगी अब स्विगी की स्थापना की अगर बात आती है तो इसका स्थापना कब हुआ तो दो में इसका स्थापना हुआ है इसका अगर मुख्यालय की बात अगर किया गया हेडक्वार्टर तो ध्यान दीजिएगा बेंगलोर में इसका मुख्यालय है इसका अगर सी का अगर बात अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा श्री हर्ष मैनिटी है ध्यान रखिएगा श्री हर्ष मैनिटी इसके अभी है तो सीईओ ओ है तो भी आप लोग याद रखिएगा चलिएगा सुधीर जी गुड मॉर्निंग चलिएगा तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग

सभी का आंसर आना चाहिए बिना भारती जी तो का उत्तर प्रदेश में हाल ही में इसको प्रारंभ किया गया यानी हर घर जल अभियान को प्रारंभ किया गया ध्यान दीजिएगा हम लोग पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन को पंद्रह करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे उसके बाद लुसेंट

किलोमीटर तो 800 किलोमीटर हर्बल रोड विकसित किया जा रहा है यानी इस पेड़ यानी रोड के दोनों साइड में क्या किया जाएगा तो रोड के दोनों साइड में आयुर्वेदिक पेड़ पौधे लगाए जाएंगे वो कितना तो 800 किलोमीटर तक आयुर्वेदिक पेड़ पौधे लगाए जाएंगे रोड के दोनों साइड ध्यान दीजिए इसके क्या तो हर्बल रोड विकसित किया जा रहा है अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा बात आई है उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग को पता होगा योगी आदित्यनाथ गवर्नर की बात अभी हम लोग चर्चा किया आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं तो ये भी आप लोग याद रखिएगा चलिएगा अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में डॉक्टर दिवस के रूप में कब मनाया गया बताइएगा सभी लोग फटाफट डॉक्टर दिवस के रूप में कब मनाया गया सभी लोग बता दीजिएगा चलिएगा डॉक्टर दिवस के रूप में बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं चलिएगा मनीष आर्या जी का सही है रिया जी का सही है बीना भारती जी का सही है निधि जी का सही है सुधीर जी का सही है परवीर रजत जी का सही है चलिएगा अश्विनी जी का सही है शिवानी जी का सही है दीपक जी का सही है चलिएगा तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन क्या आ जाएगा ध्यान रखिएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा नेहा जी का भी सही है लक्ष्मीकांत जी का सही है रविंशु जी का भी सही है तो एक जुलाई को जो मनाया जाता है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है तो डॉक्टर दिवस मनाया जाता है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा डॉक्टर्स जो लोग हैं उनको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ये प्रदान प्रारंभ किया गया है यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा इस वर्ष का जो थीम रहा वो क्या रहा तो ध्यान रखिएगा लेसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड नाइन्टीन इस वर्ष का थीम क्या रहा ध्यान रखिएगा लेसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड नाइनटीन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग और एक जुलाई को और कौन कौन सा दिवस मनाया गया तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय डाक कर्मचारियों का भी दिवस मनाया गया है उसके बाद अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो चार्टर अकाउंटेंट दिवस के रूप में मनाया गया तो कब मनाया गया तो एक जुलाई को ही मनाया गया उसके बाद दो जुलाई को जो मनाया गया दो जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया तो ध्यान रखिएगा यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया गया तो दो जुलाई को मनाया गया तो ये भी आप

जो भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गेट सेट गो प्रारंभ किया गया था कहा तो कर्नाटक के द्वारा उसके बाद कर्नाटक ने हाल ही में नर्सरी से लेकर के पांचवी क्लास तक के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ये ये भी भी बंद कर दिया तो ये भी ध्यान रखिएगा उसके बाद हाल ही में अठारह जून को कर्नाटक सरकार के द्वारा मास्क दिवस के रूप में मनाया गया है उसके बाद कर्नाटक में ही ध्यान रखिएगा बुखार क्लिनिक का स्थापना किया गया कहा तो कर्नाटक में तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक मुख्यमंत्री के अगर बात अगर किया जाएगा तो बी एस येदुरप्पा है जो वहां के मुख्यमंत्री हैं अगर

चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन इसके कहा जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा किरण रिजिजू यानी हाल ही में एथलीटो के लिए नाडा जो ऐप लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो किरण रिजिजू के किरण रिजिजू क्या है तो ध्यान रखिएगा यानी यह खेल मंत्री है यह खेल मंत्री है इनका जो संबंध है वो कहां से तो अरुणाचल प्रदेश से यह जीत करके लोकसभा में आए हैं तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा नाडा का पूरा नाम क्या होता है तो ध्यान रखिएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि कि हाल ही में गुडनी जोहानसन किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिए हैं बताइएगा बताइएगा हाल ही में कि गुडनी बताइएगा किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिए हैं बता दिएगा लो हम लोग पंद्रह करंट से फिर क्वेश्चन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग जीके जी के क्वेश्चन को जो होमवर्क आप लोग को दिया गया था चलिएगा कबीर सिंह जी का सही है निधि जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं चलिएगा रणधीर जी का भी सही आंसर है दीपक जी का सही है नेहा जी का सही है बीना भारती जी का सही है प्रवीर जग जी का सही है रिया जी का सही है अश्विनी जी का सही है नेहा जी का भी सही आंसर आ गया चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी हाल ही में गुडनी जो हॉन्सन जो राष्ट्रपति का जो चुनाव जीते हैं वो कहाँ के चुनाव जीते हैं तो ध्यान रखिएगा आइसलैंड का चुनाव जीते हैं इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और आइसलैंड की जो राजधानी है वो कहाँ में तो रेजविक में है ध्यान रखिएगा आइसलैंड की जो राजधानी है वो कहाँ में तो ध्यान रखिएगा रेजविक में है और इसका जो मुद्रा है वो क्या होता है तो ध्यान रखिएगा रेजविक कोरोना होता है जो इसका मुद्रा होता है तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नौवा नंबर क्वेश्चन आपके सिंह के ऊपर आ गया ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहले पीसी महान लोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है बताइएगा नौवा क्वेश्चन आपके के ऊपर आ गया है तो सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट हाल ही में बताइएगा कि पहला पीसी महान लोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है बताइएगा चलिएगा निधि जी का सही आंसर आ गया कबीर सिंह जी का सही है शिवानी जी का सही है बीना भारती जी का सही है लक्ष्मीकांत जी का सही है सुधीर जी का सही है अश्विनी जी का सही है लिएगा नेहा जी का सही है रणधीर जी का सही है मनीष आय जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा सी रंगराजन ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा यानी सी रंगराजन हाल ही में यानी पीसी महान जो पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया तो ध्यान रखिएगा सी रंगराजन को दिया गया है अब ध्यान दीजिएगा कि भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है तो ध्यान रखिएगा यानी पीसी महान को ही माना जाता है हाल ही में जो सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में जो मनाया गया है उन्तीस जून को हाल ही में मनाया गया है सांख्यिकी दिवस के रूप में तो आप लोग

सुरक्षित जो व्यक्ति हो गए यानी यानी जो भी व्यक्ति यानी कोविड नाइन्टीन से संबंधित है यानी या, जो रोगी हो चुके हैं और जो ठीक हुए हैं तो अपना प्लाज्मा जो डोनेट करेंगे वो किसको करेंगे तो ध्यान रखिएगा जो रोगी व्यक्ति को चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा फटाफट ग्यारह नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिएगा ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया बताइएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा ग्यारह नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा फटाफट चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा निधि जी का सही आंसर आ गया है कबीर सिंह जी का सही है शिवानी जी का सही है चलिएगा प्रवीण रजक जी का भी सही आंसर आ गया है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए अश्विनी जी का सही है लक्ष्मीकांत जी का सही है मनीष आर्यन जी का सही है

चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए निधि जी का सही है बिना भारती जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए अश्विनी जी का भी सही है चलिए तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी श्रीकांत माधव वैद को हाल ही में आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी का हाल ही में बनाया गया तो ध्यान रखिएगा नया आदेश किसे बनाया गया तो श्रीकांत माधव वैद्य को बनाया गया ध्यान रखिएगा

चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट बता दीजिएगा ब्रिडन द्वारा बताइएगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किससे चुना गया है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिए पिंटू जी का सही आंसर है श्रीकांत जी का सही है रिया जी का सही है मनीष आर्यन जी का सही है चलिए निधि जी का सही है चलिएगा बीना भारती जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ एंसर हैं ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा रविंद्र जटेजा हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो चुना गया है ब्रिडन के द्वारा वो किसको चुना गया तो ध्यान रखिएगा रविंद्र जटेजा को इस वर्ष चुना गया तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा जो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्रिकेट का बाइबल ब्रिडन को किस चीज का बाइबल कहा जाता है क्रिकेट का बाइबल के नाम से इसको जानते हैं तो ये भी आप लोग याद रखिएगा एक इक्कीसवीं सदी का इसको चुना गया मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में रविंद्र जडेजा को चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन चौदह नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सी बी एफ ओ के नए सीईओ कौन बने हैं बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट सी बी एफ ओ का बताइएगा कि हाल ही में सीईओ कौन बने हैं बता दीजिएगा सभी लोग चलिएगा रिया जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है निधि जी का सही है प्रवीण जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी स्टूडेंट हैं चलिएगा लक्ष्मी जी का सही है पिंटू जी का सही है शिवानी जी का भी सही है चलिए तो आंसर आंसर की तरफ जाते हैं ऑप्शन ऑप्शन क्या आ जाएगा ए करेक्ट होगा ध्यान दीजिएगा यानी रविंद्र भाकर को हाल ही में जो सीईओ चुना गया वो किसे चुना गया तो ध्यान दीजिएगा रविंद्र भाकर को हाल ही में सीईओ चुना गया तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं सीबीएफओ का आप लोग का अगर पूरा नाम अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है ध्यान रखिएगा सीबीएफओ का पूरा नाम क्या होता है तो ध्यान रखिएगा यानी जो होता है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है इसका स्थापना की अगर बात अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा उन्नीस में इसका स्थापना हुआ इस बात को ध्यान रखिएगा अगर हेडक्वार्टर्स की बात अगर किया जाएगा तो मुंबई में है इसका अगर चेयरपर्सन का बात अगर किया जाएगा तो अभी वर्तमान में कौन है तो परसून जोशी है इस बात को ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि आई के बताइएगा कि अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार बताइएगा कि किसे दिया गया है बताइएगा सभी लोग आई का बताइएगा कि अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार बताइएगा किसे दिया गया है सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए शिवानी जी का सही है प्रवीण रजक जी का सही है पूनम जी का सही है सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट बता दीजिएगा सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट रिया जी का सही है सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट पिंटू जी का सही है सभी लोग बता दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं शिवानी जी का भी सही आंसर आ गया है चलिएगा तो मनीष राजी का भी सही आंसर है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका सॉरी ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा जितने भी ऑप्शन सी लगाए सभी का आंसर सही है ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा इमरान ख्वाजा जितने भी ऑप्शन सी लगाए हैं सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इमरान ख्वाजा जितने भी ऑप्शन लगाए सभी का आंसर सही है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा इमरान ख्वाजा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे बात आईसीसी सी की आई है तो ध्यान रखिएगा आईसीसी का जो स्थापना हुआ है ध्यान रखिएगा कब हुआ है, तो 1909 में आईसीसी का स्थापना किस हुआ 1909 में और हाल ही में जो इनके पूर्व अध्यक्ष थे वो कौन थे तो ध्यान दीजिएगा शशांक मनोहर थे जो क्या किए तो पद से इस्तीफा दिए हैं ध्यान रखिएगा चलिएगा शिवानी जी हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था इसके वजह से क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था इस वजह से दिक्कत हुआ है कुछ लोग का ऑप्शन में नहीं देख पाया चलिएगा कोई बात नहीं सभी लोग जुड़े रहिए चलिएगा तो इसका ध्यान रखिएगा यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका सी ध्यान रखिएगा यानी आईसीसी के दो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया हाल ही में शशांक मनोहर के इस्तीफा देने के बाद हाल ही में जो कौन बने अतिरिक्त प्रभाव दिया गया तो इमरान ख्वाजा को दिया गया ध्यान रखिएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी चलिएगा तो अब हम लोग का यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त हो गया जो लूसेंट से दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा लूसेंट से आपका जो होमवर्क सीरीज जो चल रहा है तो वहां आप लोग का अब शुरू होगा तो ध्यान रखिएगा आप लोग क्वेश्चन को समझ समझ करके आंसर दीजिएगा चलिएगा तो आज का पहला क्वेश्चन आपका सिंह गया है यानी सोलह नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे जो जीके जीकेजीएस का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है तो सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली का खोज बताइएगा कि किसने किया है बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए सोलह नंबर क्वेश्चन का सौर प्रणाली का खोज बताइएगा चलिएगा मनीष राज जी का सही आंसर है कबीर सिंह जी का सही है पिंटू जी का सही है श्रीकांत जी का सही है चलिएगा दिव्य प्रकाश जी का भी सही आंसर आ गया है शिवानी जी का सही है रवि जी का सही है पिंटू जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए बीमल जी का भी सही आंसर आ गया है चलिएगा चलिएगा एक्सप्रेस जी का सही आंसर है तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ध्यान दीजिएगापर निकस सौर प्रणाली का जो खोज किया है वो किसने किया तो ध्यान रखिएगा के द्वारा इसका खोज किया गया है चलिएगा अगला क्वेश्चन कितना बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके को गया ध्यान दीजिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है बता दीजिएगा सब लोग बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है चलिएगा ये आपका होमवर्क में से दिया हुआ जो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन है चलिए शिवानी जी का सही है मनीष राय जी का सही है प्रवीण जी का सही है श्रीकांत जी का सही है पूनम जी का सही है अश्विनी जी का सही है रवि जी का सही है दिव्य प्रकाश जी का सही है चलिएगा लक्ष्मीकांत जी का विषय है बीमल जी का विषय है चलिए तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ऑप्शन इसका कहा जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा यानी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो पिंड होता, तो होता, तो होता है उसको क्या कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा ग्रह उसको कहते हैं आप सभी को पता है कि जो ग्रह होता है वो क्या करता है तो सूर्य के चारों ओर घूमता है तो यानी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो पिंड होते हैं उसको क्या कहते हैं तो ग्रह कहते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में बताइएगा कि कुल ग्रह कितना है बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा फटाफट चलिएगा सभी का आंसर होना चाहिए निवाह जी का सही आंसर है रवि जी का सही है श्रीकांत जी का सही है एस एस सी एक्सप्रेस जी का सही है शिवानी जी का सही है दिव्य प्रकाश जी का सही है चलिएगा निधि जी का सही है रिया जी का सही है पूनम जी का सही है बीमल जी का सही है लक्ष्मीकांत जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन कितने कहा जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी वर्तमान में जो ग्रह की जो संख्या है वो कितना है तो ध्यान रखिएगा आठ ग्रह की संख्या है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को आ गया ध्यान दीजिएगा कि अंतरिक्ष में कुल बताइएगा कि कितने तारामंडल हैं बताइएगा अंतरिक्ष में बताइएगा कि तारामंडल की संख्या कितना है चलिएगा शिवानी जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा चलिएगा रिया जी का सही है पूनम जी का सही है रवि जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर होना चाहिए जितने आप जुड़े हुए हैं सभी का आंसर होना चाहिए श्रीकांत जी का सही है प्रवीण रजक जी का सही है सोनी जी का सही है निधि जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है बीमल जी का सही है चलिएगा तो आंसर कितना बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसके क्या जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी निवासी है यानी तारा मंडल की संख्या कितना है नवासी है आज से आपको आज भर आपको ऑप्शन दिया गया है यानी ऑप्शन कल से आपको ऑप्शन हटा दिया जाएगा कल से आपका ध्यान दीजिएगा कल से आप कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन हटा हाँ दिया जाएगा यानी जो आसान आसान क्वेश्चन रहेगा उसका कल से ऑप्शन नहीं दिया जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा चलिएगा फवोस एवं डिमोस बताइएगा कि किसका उपग्रह है बताइएगा सभी लोग बीस नंबर क्वेश्चन का फवोस एवं डिमोस किसका उपग्रह है चलिए शिवानी जी का सही है मनीष राज जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है सोनी जी का सही है निधि जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए दिव्य प्रकाश जी का सही है चलिएगा जी का सही है, रिया जी का सही है अश्विनी जी का सही है, चलिएगा तो की तरफ तो है, जाते, है? है, जाते हैं, मंगल का चलिएगा अगला क्वेश्चन हैं अगला क्वेश्चन है किसका है, बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट ज्ञानी मेड बताइएगा किसका उपग्रह चलिएगा रिया जी का सही आंसर आ गया कबीर सिंह जी का सही है शिवानी जी का भी सही आंसर है श्रीकांत जी का सही है प्रवीण जी का सही है दीपक जी का सही है चलिएगा पूनम जी का भी सही है दिव्य प्रकाश जी का सही है बिमल जी का सही है सोनी जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ किसका उपग्रह है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन इसका सी होगा यानी बृहस्पति का उपग्रह ध्यान दीजिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बता है बाईस नंबर क्वेश्चन आपका सिंह को प्राइ गया ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर बताइएगा कैसे घूमती है बताइएगा सभी लोग फास्ट आंसर दीजिएगा पांच से दस सेकंड का आपका सिर्फ आंसर दिया जाएगा इस क्वेश्चन में क्योंकि आपका सब आपका पढ़ा हुआ है सब होमवर्क के रूप में दिया हुआ है चलिए शिवानी जी का सही है सोनी जी का सही है मनीष राय जी का सही है दीपक जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर अश्विनी जी का सही है पिंटू जी का सही है निधि जी का सही है बीमल जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बताइए ऑप्शन इसके क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है ध्यान रखिएगा यानी पृथ्वी अपने आंच पर जो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा तेईस नंबर क्वेश्चन का बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट तेईस नंबर क्वेश्चन का न्यूनतम वर्षा बताइएगा कि भारत में कहाँ होता है बताइएगा न्यूनतम वर्षा बताइएगा कहाँ होता है चलिएगा बताइएगा तेईस नंबर क्वेश्चन का चलिएगा बीना भारती जी का सही है पूनम जी का सही है रिया जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है श्रीकांत जी का सही है दीपक जी का सही है चलिएगा पिंटू जी का सही है रवि जी का सही है चलिएगा निधि जी का सही है सूरज पटेल जी का सही है नेहा जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसके क्या हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा लेह लद्दाख ले सबसे अधिक वर्षा की अगर बात अगर की जाएगा तो सबसे अधिक कहाँ होता है तो मासी मेघालय में होता है सबसे कम कहां होता है तो लेह लद्दाख ले में होता है ये इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक राज्यों के सीमा को छूने वाला राज्य बताइएगा कि कौन सा है बताइएगा सभी लोग फटाफट चौबीस नंबर क्वेश्चन का चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा रिया जी का सही आंसर आ गया श्रीकांत जी का सही है दीपक जी का सही है पिंटू जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए दिव्य प्रकाश जी का सही है स्विनी जी का सही है सोनी जी का सही है बिमल जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है सूरज पटेल जी का सही है चलिएगा तो आंसर कितना बढ़ते हैं ऑप्शन इसके कहा जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो सीमा है वो सबसे अधिक जो राज्यों को टच करता है वो कितना आठ राज्यों को टच करता है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत का विस्तार बताइएगा कि उत्तर से दक्षिण में बताइएगा कि कितना है बताइएगा पच्चीस नंबर क्वेश्चन बता दीजिएगा सब लोग प्राप्त चलिएगा पच्चीस नंबर क्वेश्चन का चलिए निवास जी का सही आंसर है कबीर सिंह जी का सही है रिया जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जी का सही है दिव्य प्रकाश जी का सही है दीपक जी का सही है बबलू जी का सही है निधि जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए सूरज पटेल जी का भी सही है नेहा जी का भी सही है चलिए तो आंसर कितना बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा यानी ऑप्शन इसके कहा जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी बत्तीस सौ चौदह यानी कैसे कह रहा है यानी उत्तर से दक्षिण की ओर यानी जो कह रहा है यानी ऐसे कह रहा है यानी इधर से इधर कितना होता है तो बत्तीस सौ चौदह होता है लेकिन अगर इधर से इधर यानी पुरुष पश्चिम की ओर अगर कहता तब उन्तीस सौ तैतीस होता था, था इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा एंसर आप लोग देने से पहले थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा जब भी एक क्वेश्चन को जब भी एंसर अभी चल रहा है तो जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का एंसर आप लोग दे देते हैं तब इस क्वेश्चन को आप लोग नीचे में क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एंसर भी आप लोग टाइप कर लीजिए लेकिन एंसर को क्लिक मत कीजिए सिर्फ क्लिक करने के लिए छोड़ दीजिए जैसे ही जब ऑप्शन जब हम क्वेश्चन को पढ़े तो तुरंत एंसर आप लोग दे दीजिए तो थोड़ा सा फास्ट होगा समझे ऐसे आप लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं फिर से आंसर टाइप

श्रीकांत जी का सही है सूरज पटेल जी का सही है दीपक जी का सही है प्रवीण जी का सही है निधि जी का सही है नेहा जी का सही है चलिएगा तो आंसर कितने बढ़ती है ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा यानी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से तो आठ राज्यों से होकर के गुजरती है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कर्क रेखा किसको कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए यानी पृथ्वी पर जो खींचा गया साढ़े डिग्री जो रेखा इसी को क्या कहते हैं तो कर्क रेखा के नाम से जानते हैं यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में क्या कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहा जाता है यानी भारत के कितने राज्यों से तो आठ राज्यों से होकर के गुजरता है इसके लिए ट्रिक्स क्या है तो मित्र पर गमछा गमछाजार आप लोग याद रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि वर्ष दो के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात बताइएगा कि किस राज्य का है चलिएगा बताइएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा कबीर सिंह जी का सही आंसर आ गया मनीष राज जी का सही है सोनी जी का सही है प्रवीर रजक जी का सही है श्रीकांत जी का सही है दीपक जी का सही है सूरज जी का सही है नेहा जी का सही है चलिएगा दिव्य प्रकाश जी का सही है निधि जी का चलिएगा न्यूनतम लिंगानुपात की बात किया जा रहा है चलिएगा बताइएगा सभी लोग फटाफट बिना भारती बोला कि मेरा कमेंट नहीं रहा कमेंट आ रहा है कमेंट आपका आ रहा है आंसर दीजिएगा तभी ना चलिएगा बिना भारती जी का भी आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी जो जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात की यहाँ पे बात किया जा रहा है ध्यान दीजिएगा न्यूनतम मतलब क्या है तो कम सबसे जो कम लिंगानुपात था वो किस राज्य का है तो ध्यान रखिएगा हरियाणा का है सबसे कम लिंगानुपात किसका है हरियाणा का है और सबसे अधिक लिंगानुपात की अगर बात अगर किया जाएगा तो सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है तो ध्यान रखिएगा यानी केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात है तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को और सबसे लिंगानुपात किसको

दीपक जी का सही है शिवानी जी का सही है निधि जी का सही है चलिएगा नेहा जी का भी सही आंसर आ गया है बीमल जी का सही है बबलू जी का सही है चलिए तो आंसर कितना बढ़ती है ऑप्शन इसके क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा 1931 चलिएगा बिल्कुल 1931 जितने भी लगा सभी का आंसर सही है आज भर आप लोग का ऑप्शन दे दिया गया कल से आपका ऑप्शन हटा दिया जाएगा ध्यान रखिएगा जो पढ़ करके आइएगा वही आंसर दीजिएगा अदरवाइज जो पहले से पढ़े हुए हैं वो भी आंसर दे सकते हैं नहीं तो आपको होमवर्क जो दिया जाता है लास्ट में तो उससे ही पूछा जा रहा है चलिएगा अगला क्वेश्चन कितना बढ़िएगा बताइएगा जनगणना में बताइएगा कि लघु विभाजक वर्ष बताइएगा कि माना जाता है किस वर्ष को उनतीस नंबर क्वेश्चन का बता दीजिएगा सभी लोग प्राप्त चलिएगा कबीर सिंह जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए मनीष राज जी का सही है दीपक जी का सही है अश्विनी जी का सही है बबलू जी का सही है नेहा जी का सही है विमल जी का सही है शिवानी जी का सही है पिंटू जी का भी सही है चलिएगा

लघु विभाजक वर्ष यहाँ पे पूछा हुआ लघु विभाजक वर्ष ध्यान रखिएगा महाविभाजक वर्ष कहता तब होता ऑप्शन ध्यान रखिएगा लघु विभाजक वर्ष कह रहा है ध्यान रखिएगा उन्नीस सौ होगा महाविभाजक वर्ष अगर बोला जाता तब उन्नीस सौ इक्कीस होता आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करें क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा चलिएगा दोनों क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है लघु विभाजक वर्ष कह रहा है ध्यान रखिएगा लघु विभाजक वर्ष के रूप में उन्नीस को जानते हैं महा अगर महाविभाजक वर्ष का अगर चर्चा करता महाविभाजक वर्ष रहता ज्यादा क्वेश्चन महाविभाजक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है इसी वजह से तो कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आप लोग कंफ्यूज भी हो गए तो ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ध्यान रखिएगा जनगणना में महाविभाजक वर्ष लघु विभाजक वर्ष दोनों अलग अलग चीज है समझे तो यानी तो लघु विभाजक वर्ष के रूप में उन्नीस सौ इक्यावन महाविभाजक वर्ष अगर कहता ना तब उन्नीस सौ इक्कीस होता चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ जाते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन है कि कि बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत होता है बताइएगा सभी लोग बता दीजिएगा जनगणना किस अनुच्छेद के तहत होता है बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा तीस नंबर क्वेश्चन का बताइएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए कबीर सिंह जी का सही आंसर आ गया है चलिएगा शिवानी जी का भी सही है चलिएगा आप लोग होमवर्क सही तरीके से पढ़ करके नहीं आए बबलू जी का भी सही है नेहा जी का सही है विमल जी का सही है दीपक जी का सही है बबलू जी का सही है चलिएगा पिंटू जी का भी सी है तो ऑप्शन इसका क्या जाएगा ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद के तहत होता है जो जनगणना करवा जाता है ध्यान रखिएगा चलिए जूही जी का भी सही है सूरज पटेल जी का सही है बीना भारती जी का सही है रवि जी का सही है तो ऑप्शन जितने भी ए लगाए हैं सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जनगणना जो होता है वो दो सौ छियालीस अनुच्छेद के तहत होता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक बताइएगा कि किसे माना जाता है बताइएगा जीव विज्ञान का जनक बताइएगा सभी लोग फटाफट किसे माना जाता है नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया है बताइएगा

चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए शिवानी जी का सही है मनीष राजी जी का सही है रवि जी का सही है पिंटू जी का सही है प्रवीण राजक जी का सही है शिवानी जी का सही है पूनम जी का सही है सु, सुधीर पटेल जी का सही है बबलू जी का सही है निधि जी का सही है सूरज पटेल जी, 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 जी तो का सही है शिवानी जी का सही है तो ऑप्शन कहा जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी लैमार्क एवं के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग अगर सबसे पहले अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने कि था, तो किया था तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा इसका शब्द का प्रयोग किया गया था चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके को आ गया ध्यान दीजिएगा पराग कणों का अध्ययन कहलाता है तैतीस नंबर क्वेश्चन आपके स्मृत को पड़ा गया है क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद आप लोग दीजिएगा चलिएगा शिवानी जी का सही आंसर आ गया है रिया जी का भी सही है दीपक जी का सही है पूनम जी का सही है प्रवीण जी का सही है सुधीर पटेल जी का सही है शिवानी जी का सही है निधि जी का सही है पिंटू जी का सही है दिव्य प्रकाश जी का सही है जू जी का भी सही है, बबलू जी का भी सही है, नेहा जी का भी सही है, तो क्या इसका बी करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन अगर किया जाएगा कि पोमोलॉजी में किसका होता है तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है आप सभी को पता है कि फलों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है तो पोमोलॉजी कहलाता है तो उसके बाद अगर फाइकोलॉजी का चर्चा किया जाएगा तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है सवालों का अध्ययन माइकोलॉजी में किसका

सूरज पटेल जी का सही है जूही जी का सही है बीमा जी का सही है बीना भारती जी का सही है नेहा जी का सही है निवास शर्मा जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होगा या भूमि का अध्ययन ध्यान रखिएगा मिट्टी का भी अध्ययन देगा तो करेक्ट होगा भूमि का भी अध्ययन होगा तो चलेगा ध्यान रखिएगा उसके बाद ध्यान रखिएगा यानी अगर क्वेश्चन अगर प्रदूषण का अध्ययन होगा तो आप लोगों को पता नहीं चाहिए चट्टान का अध्ययन का अगर चर्चा किया जाएगा तो चट्टान जो होता है वो पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है तो चट्टान का अध्ययन होता है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइएगा पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है सभी लोग बताइएगा चलिएगा मनीषराय जी का सही है बबलू जी का सही है शिवानी जी का सही है नेहा जी का सही है सूरज सूरज पटेल जी का सही है शिवानी जी का सही है अश्विनी जी का सही है दिव्य प्रकाश जी का सही है बबलू जी का सही है दीपक जी का सही है बीमा भारती जी का सही है बीमा जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ आते हैं ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका ये करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा एनी एंथोलॉजी फूलों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है तो एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन होता है ध्यान रखिएगा उसके बाद और भी ऑप्शन है तो उसको हम लोग भी देख लेते हैं यानी अभी हम लोग फाइकोलॉजी के अभी चर्चा किए सवालों तो का अध्ययन होता है उसके बाद पोमोलॉजी का भी चर्चा किया फलों का अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी में होता है तो घास का अध्ययन जो होता है एग्रेस्टोलॉजी का है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी में बताइएगा किसका अध्ययन किया जाता है सभी लोग बता दीजिएगा माइकोलॉजी में छत्तीस नंबर क्वेश्चन को आ गया बताइएगा बताइएगा माइकोलॉजी में अभी क्वेश्चन हुआ माइकोलॉजी चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए शिवानी जी का सही है नेहा जी का सही है सुधीर पटेल जी का सही है जूही जी का सही है प्रवीण जी का सही है नेहा जी का सही है पूनम जी का सही है रवि जी का सही है बबलू जी का सही है रिया जी का सही है शिवानी जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यानी कवक का अध्ययन होता है जो माइकोलॉजी कल आता है चलिएगा ये क्वेश्चन आप लोग से जा रहा है बताइएगा हरमेटोलॉजी में बताइएगा किसका अध्ययन किया जाता है बताइएगा हरमेटोलॉजी में बताइएगा किसका अध्ययन किया जाता है सभी लोग बता दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं अभी लाइव जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग बताइएगा चलिएगा सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट हरमेटोलॉजी में बताइएगा किसका अध्ययन किया जाता है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा दीपक जी का सही आंसर आ गया है निधि जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए हरमेटोलॉजी अश्विनी जी का भी सही है कबीर सिंह जी का सही है नेहा जी का सही है चलिएगा पूनम जी का भी सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा यानी ब्लड यानी रक्त का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं तो ध्यान रखिएगा हर्मेटोलॉजी इसको कहा जाता है रक्त यानी ब्लड का अगर चर्चा करके रक्त का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं तो उसको हर्मेट्रोलॉजी के नाम से उसको जानते हैं ध्यान रखिएगा हारमेटोलॉजी में क्या होता है तो रक्त का अध्ययन होता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि राना टिगरीना बताइएगा कि किसका वैज्ञानिक नाम है बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट राना टिगरीना बताइएगा चलिएगा चलिएगा शिवानी बिल्कुल उत्तर हिस्टोलॉजी होता है चलिएगा अगला क्वेश्चन कबीर सिंह जी का सही है नेहा जी का सही है पिंटू जी का सही है प्रवीण राजक जी का सही है दीपक जी का सही है रवि किशोर जी का सही है निधि जी का सही है जुही जी का सही है शिवानी जी का सही है सूरज पटेल जी का सही है मनीष राज जी का सही है राजेश जी का सही है रिया जी का सही है पूनम जी का सही है बिना बिना भारती जी, जी का सही है बबलू जी का सही है चलिए तो एंसर कितने बताते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन कहा जाएगा ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा निराना टिग्रीना होगा जो वैज्ञानिक नाम किसका होता है तो मेढा का होता है उसके बाद अगर चर्चा अगर बिल्ली का ऑप्शन में दिया हुआ तो बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है तो फैलिस डोमेस्टिका होता है उसके बाद कुत्ता का अगर चर्चा किया जाएगा तो कैनिस फेमिलियस होता है जो कुत्ता का होता है बॉस इंडिकास होता है जो क्या होता है तो गाय का होता है भारतीय गाय को क्या कहा जाता है द के नाम से इसको जानते हैं भारतीय गाय को चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि मस्का डोमेस्टिका बताइएगा कि किसका वैज्ञानिक नाम है बता दीजिएगा कल से आपका ऑप्शन हटा दिया जाएगा आज भर ऑप्शन आपको दे दिया गया है कल से आपका ऑप्शन नहीं रहेगा तो कल से आप और अच्छा से पढ़ करके आइएगा चलिएगा बताइएगा सूरज पटेल जी का सही है रिया जी का सही है दिव्या जी का दिव्या प्रकाश जी का सही है अश्विनी जी का सही है विद्यानंद जी का सही है नेहा जी का सही है सूरज पटेल जी का सही है पूनम जी का सही है सुधीर जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है निवास शर्मा जी का सही बीमा जी का विषय है बबलू जी का विषय है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा मस्का डोमेस्टिका जो है किसका है तो मक्खी का ध्यान रखिएगा मस्का डोमेस्टिका किसका है मखी का है उसके बाद अगर मनुष्य का अगर चर्चा अगर किया जाए तो होमोल है जो मनुष्य का है अब बिल्ली का भी हम लोग चर्चा किए कि कैनिस फेमिलियर्स होता है जो बिल्ली का होता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया ध्यान दीजिएगा ओरिजा आस्टिवा बताइएगा किसका वैज्ञानिक नाम है बताइएगा सभी लोग फटाफट ओरिजा एस्टिवा बताइएगा किसका वैज्ञानिक नाम है बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा नेहा जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है सूरज पटेल जी का सही है अश्विनी जी का सही है पिंटू जी का सही है निधि जी का सही है पूनम जी का सही है चलिएगा रवि कुमार जी का सही है शिवानी जी का सही है रिया जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए बीमल जी का भी सही है चलिए तो आंसर तरफ बढ़ जाते

सी सारे रीति चलिएगा कबीर जी का कबीर सिंह जी का सही है नेहा जी का सही है अश्विनी जी का सही है दिव्य प्रकाश जी का सही है सुधीर पटेल जी का सही है विद्यानंद जी का सही है निधि जी का सही है सूरज पटेल जी का सही है शिवानी जी का सही है नेहा जी का सही है प्रवीण राजक जी का सही है रवि जी का सही है पूनम जी का सही है चलिएगा बिल्कुल चलिएगा तो एंसर कितना बढ़ जाते हैं हम लोग ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा इन इंग्लिश में इसको ग्राम कहा जाता है चना को सीसर जो होता है वो किसका आता है तो चना का होता है वैज्ञानिक नाम सरसों का भी हम लोग चर्चा किए हैं कि ब्रासिका जो होता है वो किसका आता है तो सरसों का होता है मटर का अगर चर्चा किया जा जाएगा तो पीजम एसटीव होता है जो मटर का होता है करेला का आप लोग बताइएगा चलिएगा करेला का आप लोग बताइएगा अच्छा क्वेश्चन बन करके आया है बताइएगा करेला आप लोग के लिए क्वेश्चन है बताइएगा करेला का वैज्ञानिक नाम बताइएगा कि क्या होता है चलिएगा सभी लोग बता दीजिएगा करेला का बताइएगा क्लास में बहुत बार क्वेश्चन करेला वाला क्वेश्चन आया है चलिएगा सभी लोग बता दीजिएगा करेला का बताइएगा वैज्ञानिक नाम फटाफट चलिएगा सभी का आना चाहिए आंसर करेला का बताइएगा जब जब वैज्ञानिक नाम का चर्चा होता है क्लास में तब तब बताते हैं चलिएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा करेला खाने से नहीं एग्जामिनेशन में आएगा तब क्या कीजिएगा कि ना खाते हैं उसको काट दीजिए उसको ना चलिएगा सुधीर पटेल जी का सही आंसर आ गया है मेमोरियम निधि जी लिख रहे हैं मेमोरियम मेमोरियम तो नहीं होता है चलिएगा पटेल जी का एक आंसर सी मेमोडिया चरंटिया होता है ध्यान रखिएगा क्या होता है क्या होता है मेमोडिया होता है मेमोडिया ध्यान रखिएगा क्या होता है तो मेमोडिया चरंटिया होता है ध्यान रखिएगा जो करेला का जो वैज्ञानिक नाम है जैसा खाने में तीखा लगता है उसका नाम भी ऐसे तीखा है इसका ध्यान रखिएगा मेमोडिया चरंटिया होता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सिंह को गया ध्यान दीजिएगा की वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है उसको क्या कहते हैं बताइएगा वर्गीकरण की बताइएगा कि आधारभूत का क्या कहलाता है सभी लोग बता दीजिएगा चलिएगा पिंटू जी का सही है रिया जी का सही है बबलू जी का सही है नेहा जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है विद्यानंद जी का सही है निधि जी का सही है अश्विनी जी का भी सही है सुधीर जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए पिंटू जी का सही है राजेश जी का सही है सूरज पटेल जी का सही है दिव्य प्रकाश जी का सही है बीमा जी का सही है राहु रवल जी का सही है चलिएगा तो एंसर कितना ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा कहते हैं इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है वर्गीकरण के आधार भौतिक आई इंग्लिश में होता है और हिंदी में उसको उसको क्या कहा जाता है तो जाति कहा जाता है ध्यान रखिएगा हिंदी में उसको जाति कहा जाता है इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं तो अस्पीसीज कहते हैं तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके ध्यान दीजिएगा कि पादप और जंतु के बीच का जो कड़ी होता है उसको क्या कहते हैं सभी लोग बता दीजिएगा बताइएगा पादप और जंतु के बीच के कड़ी बताइएगा कि क्या कहलाता है सभी लोग बताइएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा अश्विनी जी का सही आंसर आ गया विद्यानंद जी का सही आंसर है रिया जी का सही है शिवानी जी का सही है जो पढ़ करके आए होंगे आंसर बिल्कुल देंगे इस क्वेश्चन का नेहा जी का सही है सुधीर जी का सही है राजेश जी का भी सही आंसर आ गया बीना भारती जी का सही है राहुल रवेल जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी जंतु और पादप के बीच का जो कड़ी होता है उसको क्या कहते हैं तो ध्यान रखिएगा उसको एक लीना उसको कहते हैं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जितने भी ए लगाए सभी का आंसर सही है चलिएगा तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन ऊपर आ गया ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि वेक्टर ने पांच वर्ग में जो विभाजित किया था वर्गीकरण किया था पादप जगत को बताइएगा कि किस वर्ष किया था बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा शिवानी जी का सही आंसर आ गया कबीर सिंह जी का सही है निधि जी का सही है अश्विनी जी का सही है नेहा जी का भी सही आंसर आ गया पूनम जी का सही है प्रवीण राजक जी का सही है पिंटू जी का सही है विद्यानंद जी का सही है सूरज पटेल जी का सही है राहुल रेवल जी का सही है दिव्या प्रकाश जी का सही है चलिएगा पिंटू जी का भी सही है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा उन्नीस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जितने भी उन्नीस ऑप्शन में लगाए हैं सभी का आंसर सही यानी वेक्टर ने पांच पांच जगत में बांटा था कौन कौन सा था तो मोनेरा प्रोटिस्टा पादप कवक और जंतु पांच जगत में विभाजित किया था तो ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चौवालीस नंबर क्वेश्चन बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट फाइकोलॉजी में बताइएगा कि किसका अध्ययन किया जाता है बताइएगा सभी लोग फाइकोलॉजी में बताइएगा अभी इसका चर्चा किया है बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए फाइकोलॉजी में बताइएगा चलिए मनीष राजी का सही आंसर है शिवानी जी का सही है सूरज पटेल जी का सही है पिंटू जी का सही है राहुल रेवल जी का सही है रिया जी का सही है प्रवीण राज जी का सही है सूरज पटेल जी का सही है चलिएगा कबीर सिंह जी का सही है अश्विनी जी का सही है पूनम जी का सही है रिया जी का सही है रवि जी का भी सही है बीमल जी का सही है छोटू कुमार डांगी जी का सही है राजेश जी का सही है चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ध्यान रखिएगा यानी फाइकोलॉजी किसका तो सवालों का अध्ययन होता है जितने भी ऑप्शन लगाए सभी का आंसर सही है कीट का जो अध्ययन होता है आप सभी को बताना चाहिए कि कीट का अध्ययन क्या होता है बताइएगा सभी लोग बता दीजिएगा कीटो का अध्ययन क्या कहलाता है बताइएगा आप लोग से जा रहा है क्वेश्चन बताइएगा कीटो का अध्ययन बताइएगा कि क्या कहलाता है चलिएगा बताइएगा सभी लोग फटाफट आप लोग अलर्ट रहिएगा कभी भी कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट भी रहिएगा चलिएगा बिल्कुल राहुल रवल जी का सही है रिया जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है नेहा जी का सही है पिंटू जी का सही है मनीषा जी का सही है शिवानी जी का सही है एंटेमोलॉजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है एंटेमोलॉजी में कीट का अध्ययन होता ध्यान रखिएगा कीटो का अध्ययन क्या कहलाता है तो एंटेमोलॉजी कहलाता है चलिएगा बिल्कुल सभी का आंसर सही आ गया है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बताइएगा कि कौन सा है बताइएगा पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बताइएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा राजेश जी का सही आंसर आ गया है अश्विनी जी का भी सही है चलिएगा चलिएगा बीना भारती जी का सही है पिंटू जी का सही है राजेश जी का सही है दिव्य प्रकाश जी का सही है पूनम जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिए तो ऑप्शन जितने भी बी लगाए हैं सबका आंसर सही है ए वाले जितने भी लगाए हैं सबका गलत है ध्यान रखिएगा ये लाइव क्लास में पहले भी क्वेश्चन हो गया तो आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे ध्यान रखिएगा अब शनि का जो उपग्रह की संख्या कितना वो एट्टी टू है ध्यान रखिएगा अब बृहस्पति का कितना उपग्रह है तो ध्यान रखिएगा सेवेंटी नाइन ही है यानी सड़सठ पहले था बारह जा गया था लेकिन शनि का अब कितना हो गया तो एट्टी टू हो गया बेरासी हो गया इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा बिल्कुल रिया जी बिल्कुल बी हो गया है ऑप्शन यानी शानी हो गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेरासी हो गया है सेवेंटीन एन बृहस्पति का है तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन भारत में बताइएगा कि, कि सबसे पहले जनगणना कब प्रारंभ हुआ था भारत में यानी सर्वप्रथम जो जनगणना हुआ था वो किस वर्ष हुआ था चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा छोटू कुमार दांगी जी का सही आंसर आ गया है बताइएगा कबीर सिंह जी का सही है मनीष राज जी का सही है निधि जी का सही है पिंटू जी का सही है विद्यानंद जी का सही है दिव्य प्रकाश जी का सही है प्रवी रजक जी का सही है शिवानी जी का सही है राहुल रवल जी का सही है राजेश जी का सही है बीना भारती जी का सही है रिया जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए बीमल जी का भी सही है राजेश जी का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन का एक आंसर होगा यानी भारत में जो सर्वप्रथम जो जनगणना प्रारंभ हुआ था अठारह में लेकिन यह नियमित जनगणना नहीं थी यह लॉर्ड मयो के समय में प्रारंभ किया गया था ध्यान रखिएगा लॉर्ड मयो के समय में प्रारंभ किया गया था लेकिन अठारह में नियमित जनगणना रिपन के समय में हुआ था रिपन के समय में अठारह में नियमित यानी प्रत्येक दस वर्षो पर जो जनगणना जो प्रारंभ हुआ है ये अठारह में

चलिएगा सभी का आंसर तो ध्यान रखिएगा यानी हीलियम जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है ऑप्शन सी यानी छब्बीस साढ़े छब्बीस प्रतिशत हिलियम होता है हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है ध्यान रखिएगा यानी हाइड्रोजन जो होता है वो इकहत्तर प्रतिशत क्या होता है तो हाइड्रोजन होता है तो ऑप्शन जितने भी सी लगाए सभी का आंसर सही है ऑप्शन ए वाले बिल्कुल गलत है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन अड़तालीस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन स्मार गया ध्यान दीजिएगा अड़तालीस नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रह का आकार घनत्व और व्यास पृथ्वी के समान है बताइएगा अड़तालीस नंबर क्वेश्चन आपके बताइएगा सभी लोग नंबर क्वेश्चन सूरज पटेल जी का सही है शिवानी जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए राहुल जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए कबीर सिंह जी का सही है बबलू जी का सही है बीमा जी का सही है राजेश जी का सही है चलिएगा तो ऑप्शन ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी शुक्र जो ग्रह है उसका जो घनत्व है व्यास है वो किसके समान है तो ध्यान दीजिएगा शुक्र के समान है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बताइएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन आ गया ध्यान दीजिएगा यानी किस ग्रह का जो अच होता है यानी पृथ्वी के समान झुका हुआ है बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए उनचास नंबर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा सब लोग फटाफट चलिएगा चलिए शिवानी जी का सही आंसर आ गया कबीर सिंह जी का सही है निधि जी का भी सही आंसर है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए रिया जी का भी सही है अश्विनी जी, 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 जी का सही है दिव्य प्रकाश जी का सही है राहुल रोवेल जी का सही है पूनम जी का सही है नेहा जी का सही है चलिएगा बबलू जी का सही है राजेश जी का सही है राहुल रोवेल जी का सही है पिंटू जी का सही है बिना भारती जी का सही तो ऑप्शन कहा जाएगा ऑप्शन होगा पर जो झुका हुआ है पृथ्वी के समान वह कौन सा ग्रह है तो ध्यान रखिएगा मंगल है को किस ग्रह के नाम से जानते हैं तो ध्यान रखिएगा लाल ग्रह के लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं तो मंगल को जानते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े जाते हैं अगला क्वेश्चन आप किस को प्रा गया ध्यान दिएगा कि निक्स ओलंपिया पर्वत बताइएगा किस ग्रह पर स्थित है बताइएगा पचास नंबर क्वेश्चन ओलंपिया पर्वत बताइएगा किस

ग्रह पर स्थित है तो ऑप्शन जितने भी सी लगा हैं, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग लास्ट लास्ट तक रुके रहिएगा में आपको होमवर्क जो दिया जाएगा जो आप लोग को याद करने के लिए दिया जाएगा वो लास्ट में ही दिया जाएगा तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा चलिएगा यहाँ से आप लोग का जो ऑप्शन है वो समाप्त हो गया लेकिन कल टोटल क्वेश्चन यानी दो चार पांच क्वेश्चन में ऑप्शन रहे तो रहे नहीं तो सभी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं रहेगा इसी प्रकार से कल क्वेश्चन किया जाएगा यानी पार्थिव ग्रह कौन कौन सा है बताइएगा इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है बताइएगा पार्थिव ग्रह के रूप में बताइएगा कि किस ग्रह को जानते हैं पार्थिव ग्रह के नाम से चलिएगा बता दीजिएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग को ज्यादा याद होगा ऐसे कितना याद किए हैं वो आप लोग को पता चल जाएगा इसमें चलिएगा इसमें ऑप्शन आपका नहीं है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा छोटू कुमार दांगी जी पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा आप चलिएगा पार्थिव ग्रह के नाम से बताइएगा सभी लोग फटाफट कौन कौन सा ग्रह है जो पार्थिव ग्रह के रूप में आते हैं बताइएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा दिव्य प्रकाश जी का एक आंसर सही आया है रिया जी का भी सही आंसर आ गया है जब तक पूरा आंसर नहीं आ गया जब तक मैं नहीं लूंगा एक भी गलत होगा तो इसमें नहीं चलेगा दो आंसर सही आया है और बताइएगा रिया जी का एक सही आया है और एक और आया है और और किनका अश्विनी जी का भी सही आंसर आया है दिव्य प्रकाश जी का सही है तीन आंसर सही आया है चलिएगा तो आंसर कितना बढ़ते हैं ध्यान दीजिए रखिएगा बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ध्यान दीजिए रखिएगा बुध शुक्र पृथ्वी

चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट बढ़ाइएगा सभी लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बावन नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा सभी लोग चलिएगा शिवानी जी बोल रहे हैं कि नेट स्लो चल रहा है फिर भी ट्राई कीजिएगा पेज को रिफ्रेश करके कर, ट्राई कीजिए आप लोग बृहस्पति ग्रह बताइएगा किसको कहते हैं या बाह्य ग्रह भी इसको बोल सकते हैं बताइएगा बाह्य ग्रह बताइएगा किसको कहते हैं बताइएगा सभी लोग चलिएगा राहुल जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है

सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लग जाता है तिरपन नंबर क्वेश्चन चलिएगा यहाँ से आपका रैपिड फायर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है और जो पढ़ करके आए होंगे वो आंसर बिल्कुल देंगे चलिएगा रिया जी का सही है सुधीर पटेल जी का सही है मनीष राज जी का भी सही है पिंटू जी का भी सही है राहुल रवेल जी का सही है विद्यानंद जी का सही है अश्विनी जी का सही है चलिएगा दिव्य प्रकाश जी का भी सही है शिवानी जी का सही है शिवानी पेज को आप रिफ्रेश कर लीजिएगा कबीर सिंह जी का सही है प्रवीण के दोनों ऑप्शन में आपको देता ही नहीं है ध्यान रखिएगा दोनों ऑप्शन में आपको नहीं देगा कभी नहीं आज तक दिया है ध्यान रखिएगा यानी आठ मिनट सोलह सेकंड से लेकर के आठ मिनट बीस सेकंड जो भी ऑप्शन में आपको दिख जाए उसको लगा देंगे पांच सौ भी आपको रह सकता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगर

यानी किरीट या कोरोना बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यानी किरीट या कोरोना उसको कहा जाता है किरीट तो तो या कोरोना उसको कहा जाता है राजेश जी का भी सही है यानी जब भी यानी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का जो सतह दिखाई देता है उसको क्या तो किरीट या कोरोना उसको कहा जाता है चलिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके सिंह को पर गया ध्यान दीजिएगा चलिएगा सूर्य ग्रहण बताइएगा कि किस तिथि को होता है बताइएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा सूर्य ग्रहण बताइएगा किस तिथि को होता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा पचपन नंबर क्वेश्चन चलिएगा, चलिएगा मनीष का सही ग्रेट है, है। सूरज पटेल जी का सही है दिव्य प्रकाश जी का सही है रिया जी का सही है निवास जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है राहुल रेवल जी का सही है बीना भारती जी का सही है अश्विनी जी का सही है बबलू जी का सही है राजेश जी का सही है प्रवीण राजक जी का सही है विद्यानंद जी का सही है चलिएगा छोटू कुमार

सबसे, सबसे अधिक बता दीजिएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बताइएगा चलिएगा ऐसे जनसंख्या घनत्व तो भी बता सकते हैं वो भी क्वेश्चन हो ही सकता है चलिएगा लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो तो किस राज्य का है बताइएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का है चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा चलिएगा चलिएगा दिव्य प्रकाश जी का भी सही है चलिए दोनों को क्वेश्चन एक ही साथ हम लोग लेकर के चलेंगे पूनम जी का भी सही है रिया जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है शिवानी जी का सही है राजेश जी का सही है चलिएगा तो तीन सौ बिरासी जो होता है वो भारत की जन, ए, है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा लेकिन अगर सबसे अधिक पूछा जाएगा तो बिहार का है वो कितना तो ग्यारह सौ छः ध्यान रखिएगा यानी ग्यारह सौ छः है जो सबसे अधिक जनगणना है तो ध्यान रखिएगा बिहार का है चलिएगा बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना का बताइएगा कि शुभंकर बताइएगा कि क्या था बताइएगा वर्ष 2011 का शुभंकर बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा निधि जी का सही आंसर आ गया है मनीष राज जी का भी सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा बता दीजिएगा पिंटू जी का भी सही है चलिएगा चंदन जी का तीन सौ बिरासी चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा चंदन जी चलिएगा बीमल जी का भी सही है चंदन जी का भी सही तो है चलिए तो आंसर की तरफ आते हैं, ध्यान दीजिएगा परगनक शिक्षिका ध्यान रखिएगा परगनक शिक्षिका यानी वर्ष 2011 का जो शुभंकर था वो क्या था तो ध्यान रखिएगा परगनक शिक्षिका जितने भी ऑप्शन लगाया सभी का आंसर सही है बिना भारती जी का भी सही है और इसका आदर्श वाक्य क्या था तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य ध्यान रखिएगा आदर्श वाक्य की अगर चर्चा जाएगा तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो था आदर्श वाक्य था लेकिन शुभंकर अगर बात अगर किया जाएगा तो परगनक शिशिका चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की भारत में बताइएगा कि मानक समय कहाँ से होकर के गुजरती है बता दीजिएगा सब लोग कहाँ से होकर गुजरती है चलिएगा सभी का आंसर होना चाहिए चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आ गया है चलिएगा बबलू जी का सही है रिया जी का सही है पिंटू जी का सही है अश्विनी जी का सही है मनीष राज जी का सही है शिवानी जी का सही है चलिएगा चंदन जी का भी सही आंसर आ गया है बीना भारती जी का सही है निधि जी का सही है निवास शर्मा जी का सही है विमल जी का सही है चलिएगा बिल्कुल पूनम जी का भी सही है चंदन जी का सही है भोला पंडित जी का सही है चलिए तो आंसर एंसर कितना हैं? ध्यान दीजिएगा इलाहाबाद ध्यान रखिएगा जो भारत का जो मानक समय गुजरता है वो कहाँ से गुजरता है तो इलाहाबाद में दो स्थान आपको कभी कभी देता है ध्यान रखिएगा एक नैनी भी देता है कि इलाहाबाद के नैनी से अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो नैनी भी लगा देंगे लेकिन अगर नैनी अगर नहीं रहे तो मिर्जापुर आप लोग ध्यान रखिएगा दोनों आपको एक साथ कभी नहीं देगा जब भी देगा तो दोनों में से कोई एक ही देगा लेकिन मिर्जापुर भी देता है और नैनी भी देता है तो दोनों आप लोग याद रखिएगा मिर्जापुर भी ऑप्शन में मिल जाए तो मिर्जापुर को लगाएंगे नैनी को मिले तो नैनी इलाहाबाद मिले तो इलाहाबाद लेकिन इलाहाबाद आपको मिलेगा नहीं इस बात को ध्यान रखिएगा जब भी ऑप्शन में मिलेगा तो मिर्जापुर मिले, थो मिले थो या नैनी मिले तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बताइएगा पृथ्वी का बताइएगा कि एकमात्र उपग्रह बताइएगा कि कौन सा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह बताइएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा साठ नंबर क्वेश्चन बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह बताइएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा पिंटू जी का सही आंसर आ गया है मनीष राज जी का भी सही है चलिएगा अश्विनी जी का सही है बंटी जी का सही है पूनम जी का सही है चलिएगा तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है चंद्रमा सभी का आंसर सही आ रहा है चंद्रमा जितने भी लगाए सभी का आंसर सही है रिया जी का भी सही है विद्यानंद जी का भी सही है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा चंद्रमा है

हम पूछ रहे हैं यहां अनुसूची का चर्चा ध्यान रखिएगा संघ सूची होगा अनुसूची में क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है तो अनुसूची आप लोग बताइएगा सभी संघ सूची लिख रहे हैं पता है है कि संघ सूची के अंतर्गत आता लेकिन अनुसूची यहाँ पे किया जा रहा है चलिएगा आप लोग सभी कंफ्यूज है ध्यान रखिएगा सातवीं अनुसूची में इसका चर्चा किया गया ग्यारहवीं अनुसूची में आप लोग को पता है कि किसी का चर्चा गया पंचायती राज का कहां से पंचायती राज में इसका जिक्र मिलता है आप लोग का सभी ग्यारह जो लिख रहे हैं पंचायती राज का उल्लेख है आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ग्यारहवीं अनुसूची है उसमें किसी का चर्चा किया गया है ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज का तो पंचायती राज में जनगणना होगा पंचायती राज में सब लगा रहे हैं इगारह जो जितने भी लगाए हैं कभी हो सकता है जब भी होगा तो सातवीं अनुसूची में किसी का चर्चा किया गया संघ सूची राज सूची या समर्थी सूची का तो अभी तो आप लोग बताएं कि संघ सूची में आता है तो संघ सूची किसमें है सातवीं अनुसूची में है चलिएगा तो ऑप्शन के सातवीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन भारत का जो सबसे उत्तर बिंदु बताइएगा कि कौन सा है सबसे उत्तरी बिंदु बताइएगा चलिएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आ गया मनीष राज जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए राजेश जी का भी सही है कबीर सिंह जी का सही है जितने भी स्टूडेंट है रिया जी का भी सही आंसर आ गया है अश्विनी जी का सही है बीना भारती जी का सही है राजेश जी का भी सही है चलिए तो आंसर बढ़ जाते हैं ध्यान रखिएगा यानी इंदिरा कॉल सबसे उत्तर का जो बिंदु है वो कौन सा तो ध्यान रखिएगा इंदिरा कॉल है सबसे दक्षिण का बिंदु कौन सा होगा तो इंदिरा पॉइंट होगा जिसको पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं पूर्वोत्तर बिंदु का अगर चर्चा किया जाएगा तो बलांगु है जो अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम बिंदु का अगर चर्चा किया जाएगा तो सर्क रेखा जो कहा गुजरात में है चलिएगा अगला क्वेश्चन कितना बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की बंधन एक्सप्रेस बताइएगा कि किन दो देशों के बीच में चलता है बताइएगा बंधन एक्सप्रेस बता दीजिएगा सब लोग फटाफट बीच में चलता है बंधन एक्सप्रेस चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए किन दो देशों के बीच में चलता है चलिएगा रिया जी का सही आंसर है मनीष राज़ी जी का सही है मंटी जी का भी सही आंसर आ गया है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए सोनी जी का भी सही है अश्विनी जी का सही है चलिएगा शिवानी जी का सही है चंदन जी का भी सही है बिना भारती जी का सही है तो क्या है इंडिया और बांग्लादेश यानी भारत और बांग्लादेश के तो बीच में चलता है कौन सा एक्सप्रेस तो बंधन एक्सप्रेस चलता है बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया ध्यान दिएगा कि वर्तमान में बताइएगा कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है बताइएगा वर्तमान में बताइएगा कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कितना है चलिएगा दोनों का चर्चा है केंद्रशासित प्रदेश और राज्य दोनों का चर्चा है यहाँ पे चलिएगा सभी लोग गड़बड़ हो रहे हैं चलिएगा विमल जी का सही आंसर आया है और बताइएगा रिया जी का भी सही आंसर है चलिएगा मनीष राज जी का सही आंसर है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए बीना भारती जी का सही है चलिएगा सभी को कुछ बहुत सारे स्टूडेंट का गड़बड़ हो रहा है शिवानी जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है सभी का आंसर आना चाहिए बीना भारती जी का सही है चंदन जी का सही है तो ध्यान रखिएगा आज से आप लोग याद रखिएगा राज और आठ शासित प्रदेश है ध्यान रखिएगा अट्ठाईस राज

चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मांड का क्या कहलाता है बताइएगा ब्रह्मांड का अधीन क्या कहलाता है सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट ब्रह्मांड का अधीन क्या कहलाता है चलिएगा जितने भी स्टूडेंट है लास्ट में होमवर्क आपको दिया जाएगा स्पीडी और लूसेंट से ही चलिएगा बताइएगा कबीर सिंह जी का सही है मनीष राज जी का सही है बीमल जी का सही है रिया जी का सही है पिंटू जी का सही है बंटी जी का सही है सूरज पटेल जी का सही है चलिएगा कोमल जी का सही आंसर आ गया सोनी जी का सही है दिव्य प्रकाश जी का सही है चलिएगा निधि जी का भी सही है तो कॉस्मोलॉजी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है ध्यान दीजिएगा यानी कॉस्मोलॉजी में क्या होता है तो ध्यान रखिएगा यानी जो ब्रह्मांड का अध्ययन जो किया जाता है वो किमें किया जाता है तो कॉस्मोलॉजी में किया जाता है ये भी आप लोग लो याद रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्नक गया ध्यान दीजिएगा कि बोटनी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है बताइएगा बोटनी बताइएगा किस भाषा का शब्द है बता दीजिएगा सड़सठ नंबर क्वेश्चन का बोटनी बताइएगा किस भाषा का शब्द है बता दीजिएगा सब लुफाफट चलिएगा सभी का आंसर रहना चाहिए चलिएगा मनीष जी का सही आंसर आ गया है निधि जी का सही है पिंटू जी का सही है रवि जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर होना चाहिए अश्विनी जी का सही है बीना भारती जी का सही है शिवानी जी, जी का सही है कोमल जी का सही है चलिए तो ध्यान रखिएगा ग्रीक भाषा का ध्यान रखिएगा यानी जो बॉटनी जो शब्द है वो किस भाषा का है तो ध्यान रखिएगा ग्रीक भाषा का है अब ध्यान रखिएगा यानी जो जीव विज्ञान है उसको कितना भाग में बांटा गया तो दो भाग कौन सा यानी जियोलॉजी होता है एक जियोलॉजी होता है जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं ध्यान रखिएगा जंतु विज्ञान जियोलॉजी को जो वनस्पति विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं तो उसको बॉटनी कहते हैं ध्यान रखिएगा अब जंतु विज्ञान में तो आप लोग को पता है कि जीव जंतु का अध्ययन होगा उसको क्या कहते हैं तो इंग्लिश में उसको जियोलॉजी कहते हैं अब बॉटनी जो होता है वनस्पति विज्ञान इसमें पेड़ पौधे

चलिएगा अजय यादव जी का सही है चंदन जी का सही है कोमल जी का सही है चलिए तो लिनियस करोलस लिनियस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी सिस्टेमा नेचर पुस्तक के लेखक कौन है तो करोलस लिनियस जितने भी ऑप्शन लगाए सभी का आंसर सही है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि आप पुष्पी पादपो को बताइएगा कि, कि किस वर्ग में रखा गया बताइएगा आप पुष्पी पादपो को बताइएगा कि किस वर्ग में रखा गया बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट आप पुष्पी अपीपापो को बताइएगा चलिएगा उनहत्तर नंबर क्वेश्चन आ गया है सभी लोग बता दीजिएगा चलिएगा भोला पंडित जी पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं उनहत्तर नंबर क्वेश्चन में है अभी आप पीछे हैं तो पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा जो भी पीछे हो जाए तो पेज को आप कृपया करके पेज को रिफ्रेश कर लें पेज को रिफ्रेश करने के लिए बताएं लाइव चलते हुए रहता है तो यहां लाइव लिखाता है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा चलिएगा चलिएगा बीना भारती जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा रवि जी का भी सही आंसर आ गया है शिवानी जी का भी सही है जो नहीं पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ कर क्या होंगे वो सभी लोग छोड़ करके कर चले गए क्योंकि यहाँ से तो ऑप्शन मिलने वाला है नहीं पढ़ करके आइएगा तभी आंसर दीजिएगा तो आप चले जाइए उससे क्या है चलिएगा बंटी जी का सही है रिया जी का सही है चलिएगा कोमल जी का सही है यानी क्रिप्टो गेंस ध्यान रखिएगा यानी जो यानी अपुष्पी पापों को जो रखा गया वो किस में रखा गया तो ध्यान रखिएगा क्रिप्टो गेम्स में रखा गया किस किस में रखा गया तो क्रिप्टो गेम्स में रखा इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की कितना बढ़े जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके ऊपर आ गया ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन भूगोल का जनक बताइएगा कि किसको माना जाता है बताइएगा प्राचीन भूगोल का जनक बताइएगा किसको माना जाता है सत्तर नंबर क्वेश्चन चलिएगा सत्तर नंबर क्वेश्चन की कितना बढ़ेगा लिएगा कल से अधिकतर क्वेश्चन आपका कल से 80 परसेंट क्वेश्चन आपका बिना ऑप्शन के रहेगा ध्यान रखिएगा 80 परसेंट क्वेश्चन कल से आपका बिना ऑप्शन के रहेगा बताइएगा चलिएगा मनीष राजी का सही आंसर आ गया है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए प्राचीन भूगोल का जनक बताइएगा चलिएगा सूरज पटेल जी का भी सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ध्यान रखिएगा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा ही ए टी एस ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा तो हिक एटीएस करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा ही टी एस होगा यानी प्राचीन भूगोल का जनक जो होता है वो किसको माना तो जाता है तो हिक को माना जाता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा की जो आकृति है वो कैसी है बताइएगा चलिएगा हमारी आकाश गंगा की आकृति बताइएगा कैसी है चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आ गया है रिया जी का भी सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए मनीष जी का भी सही आंसर है अश्विनी जी का सही है रवि जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिएगा बताइएगा विद्यानंद जी का सही है प्रवीण जी का सही है कोमल जी का सही है सूरज पटेल जी का सही है निधि जी का सही है दिव्य प्रकाश जी का सही है तो ध्यान दीजिएगा स्पाइरल होगा ध्यान दीजिएगा यानी कि कैसा आकार है यानी आकाश गंगा के कैसा आकार है तो ध्यान दीजिएगा स्पाइरल है बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन कहा जाएगा ऑप्शन इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है स्पाइरल होगा याद रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा बताइए कि भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरा है बताइएगा यह तो आसान क्वेश्चन है बताइएगा कर्क रेखा बताइएगा चलिएगा रिया जी का सही आंसर है शिवानी जी का सही है मनीष राज जी का सही है बंटी जी सात राज्य से गुजारती है आज चलिएगा पिंटू जी का भी सही आंसर है प्रवीण जी का भी सही आंसर है शिवानी जी का सही है बिना भारती जी का सही है बीमल जी का सही है अश्विनी जी का सही है चलिए तो आठ राज्यों से होकर गुजरता है ध्यान रखिएगा करक रेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजर, गुजरता है अभी कुछ देर पहले बताया था कि मित्र पर गमछा जा रही है इसमें आठों है ध्यान रखिएगा और टाइम जोन जो होता है वो कितना तो यानी पांच राज्यों से होकर गुजरता है चलिएगा नीलम जी का भी सही है शिवानी जी का सही है बिना भारती जी का सही है सूरज पटेल जी का सही है सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा इंटीग्रल कौन फैक्ट्री बताइएगा कहाँ स्थित है चलिएगा एक बैक क्वेश्चन आपको दिया गया इंटीग्रल कौन फैक्ट्री बता दीजिएगा सभी लोग लास्ट क्लास से दिया हुआ है बताइएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बताइएगा चलिएगा रिया जी का सही आंसर आ गया है चलिएगा निधि जी का सही है बंटी जी का सही है मनीष राज जी का सही है बीमल जी का सही है अश्विनी जी का सही है बीना भारती जी का सही है चलिए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है स्थित है ध्यान दीजिएगा इंटीरियर कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है तो पराम चलिएगा विकास कुमार जी आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा बहुत पीछे चढ़ा है इंद्र इंदिरा बहुत पहले खत्म हो गया है हम लोग का चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का अध्ययन बताइएगा बता बता चलिएगा रिया जी का सही आंसर आ गया अश्विनी जी का सही है कोमल जी का सही है पिंटू जी का सही है बिमल जी का सही है मनीष राज जी का सही है चलिएगा कबीर सिंह जी का सही है बंटी जी का सही है चलिएगा भोला पांडे जी पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा निधि जी का सही है शिवानी जी का सही है चलिएगा विद्यानंद जी का भी सही है तो ध्यान रखिएगा डेमोग्राफी ध्यान रखिएगा डेमोग्राफी होता है यानी जनसंख्या का जो अध्ययन अध्ययन होता है यानी डेमोग्राफी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जितने भी लगाए हैं डेमोग्राफी में सभी का आंसर करेक्ट है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है बताइएगा चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आ गया है शिवानी जी का भी सही है रिया जी का सही है मनीष राज जी का सही है प्रवीण राजक जी का सही है बंटी जी का सही है पिंटू जी का सही है चलिएगा कोमल जी बोल रहे हैं फ्राइडे और वेडनेसडे दिन थोड़े है ग्रह है चलिएगा इसमें बु, बुधवार और शुक्रवार नहीं होगा कोमल जी बुध और शुक्र होगा चलिएगा आपका भी आंसर सही है याद है सिर्फ ऐसे लिखे हैं चलिएगा बुध और शुक्र बिल्कुल करेक्ट जितने भी लगाए हैं सभी का सही है रुपेश जी का सही है नीलम जी का भी सही है बिना भारती जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर करेक्ट आ रहा तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन कह जाएगा यानी बुध और शुक्र जितने भी लगाए हैं सभी का आंसर सही है विद्यानंद जी का भी सही आंसर आ गया चलिएगा सभी का आंसर सही आ रहा है चलिएगा तो पचहत्तर क्वेश्चन हम लोग का था जो समाप्त हो गया या होमवर्क आप लोग दिया जा रहा है तो होमवर्क आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग कल पढ़ करके वही आइएगा वही आपको कल पूछा जाएगा कल आपको 80 परसेंट जो क्वेश्चन होता है उसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो आप लोग होमवर्क को नोट no डाउन कर लीजिएगा कल आपका जो एस में जो पेज नंबर आप लोग को पता ही होना चाहिए कि एस में कितना दिया जाएगा तो पेज नंबर तीन एस में पेज नंबर तीन पेज नंबर तीन में क्या है तो भारत के पड़ोसी देश हैं विश्व परिचय है और ब्रह्मांड का संपूर्ण परिचय ध्यान रखिएगा पेज नंबर तीन कितना में है तो एसपीडी में है उसके बाद आइएगा दूसरा नंबर टॉपिक आपको बायोलॉजी में दिया जाता है ध्यान रखिएगा कितना तो बायोलॉजी बायोलॉजी में क्या दिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा कोशिका विज्ञान पेज चैप्टर नंबर दो कोशिका विज्ञान कोशिका विज्ञान में कहाँ तक ध्यान रखिएगा लवक तक पढ़ करके आइएगा लवक तक कोशिका विज्ञान टॉपिक नंबर दो कहाँ तक लवक तक चलिएगा चलिएगा इतना हो गया अब हम लोग लो दूसरा स्क्रीन शॉट ले लीजिए चलिएगा अगला टॉपिक देखिए अगला क्या है तो ज्योग्राफी भूगोल ज्योग्राफी में कहां तक टॉपिक आपको दिया गया तो ध्यान रखिएगा सौर मंडल में सौर मंडल में कहां तक तो शनि से जितना भी आगे शनि से यानी ग्रह जो वाला जो बच गया था यानी शनि से लेकर के जितना भी आगे था वो पूरा ध्यान रखिएगा शनि से लेकर के यानी जितना भी जो ग्रह वाला जो बच गया मंगल तक हुआ था यानी मंगल से आगे लेकर के पूरा ग्रह वाला यानी खत्म करके आना है तो ध्यान दीजिएगा चलिए इतना भी चल रहा है फिलहाल धीरे धीरे हम लोग और भी टॉपिक को बढ़ाएंगे चलिएगा तो सभी लोग होमवर्क को नोट कर लीजिएगा और अगर चैनल पे सभी लोग जाते हुए वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं सभी लोग लाइक आप लोग करते हुए जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कल का जो वीडियो गया था समितियाँ से संबंधित ध्यान रखिएगा कल समितियाँ से संबंधित एक वीडियो गया था अभी तक आपने नहीं देखा तो आप लोग को देख लीजिएगा आप ही लोग के डिमांड पर वीडियो लाया गया था और आप लोग शेयर करना नहीं भूलिएगा सभी लोग प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चलिएगा कल फिर मिलते हैं सुबह ग्यारह बजे ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ कल फिर मिलते हैं सुबह ग्यारह बजे सेम टाइम सेम प्लेस धन्यवाद जय हिंद